हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सास बहू और दुनियादारी। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और चटपटी सी रेसिपी जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है और उनका बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता है, तो आप अगर अपने बच्चों को ये सरप्राइज देंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बच्चों को फिंगर चिप्स और पोटैटो चिप्स और ये सब बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो आज मैं घर पे आपको बताऊंगी कैसे आप बच्चों का मनपसंद बना सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से। और अगर मेरे वीडियो पे आप न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए। बच्चों के लिए हम पोटैटो चिप्स बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए बढ़िया बड़े साइज के आलू, और आलू को सिलेक्ट करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि आलू सफ़ेद ना हो, क्योंकि सफ़ेद आलू बहुत जल्दी काले या लाल हो जाते हैं। तो आलू जो है मोटे स्किन वाले रेड हो, और उनके साइज जो हैं बड़े ही हों, छोटे ना हो, क्योंकि अगर छोटे रहेंगे तो हमारे चिप्स भी छोटे ही बनकर रेडी होंगे। तो इन बातों का ख्याल रखना है पोटैटो चिप्स बनाने के लिए। और ये देखिए, मैंने कद्दूकस लिया है, और ये जो है एक प्लेन है और एक तरफ डिजाइन वाला है, तो हम डिजाइन वाले की तरफ से अपने चिप्स को बनाएंगे। और दूसरी तरफ मैंने आधा लीटर के करीब पानी लिया है, और इसी में हम अपने चिप्स को बनाएंगे, और मैं अब ये छीलने की सहायता से अपने आलू को छीलूंगी। और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो हम बहुत ही केयरफुली से हम बनाएंगे और सारे आलू के छिलकों को ऐसे ही हम उतार लेंगे। और हाँ जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि हम अपने पानी में ही अपने चिप्स को डालें, ताकि ये लाल या काले ना हो, क्योंकि अक्सर करके आलू काले हो जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, हमारे आलू जो है मैंने पानी में ही डाल दिया है, और ये ना लाल हुआ है और ना काला, जैसे वाइट रहता है वैसे ही, और साइज़ भी बहुत परफेक्ट है जैसा चिप्स का होना चाहिए। और फिर से हम पानी को चाहे तो चेंज कर देंगे। और देखिए, हमने आलू को छिलके को फेंकना नहीं है, आम के आम और गुठलियों के दाम इस आलू को बताएं हम क्या कर सकते हैं। तो छिलकों से हम अपने फेस स्क्रब बना सकते हैं, अपने जार में हम पीस के अपने फेस को बढ़िया अच्छा सा ग्लो ला सकते हैं, और बच्चे भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। तो इस तरह आप आलू के छिलकों को फेंकें ना, और ये टिप्स ज़रूर अपने घर पर एक बार ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बताएं कमेंट बॉक्स में कि मैंने कद्दूकस लिया है, और इधर के डिजाइन से हम अपने चिप्स बना के रेडी करेंगे। तो अब चलते हैं अपने चिप्स बनाने। ये बाउल में मैंने पानी बदल लिया है, और इसे हम अपने चिप्स को पानी में बनाएंगे ताकि काला ना हो। तो अब चलते हैं बनाने। तो देखिए, नीचे पानी है और इसके ऊपर मैंने ये कद्दूकस ऐसे रख लिया है, और आलू मैंने एक बार कद्दूकस कर चुके हैं, ये लंबी शेप का डिजाइन हो गया है। और ऐसे हम ये चिप्स देखिए, बहुत ही अच्छी लंबी डिजाइन है, और मैंने शेप बीच में चेंज भी कर दिया है, तो आप देखते रहें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। देखिए कितनी अच्छी डिजाइन बनी हुई है, और पीसेस जो है बहुत ज्यादा पतली ना हो, अगर पतली रहेगी तो हमारी चिप्स जो है क्रिस्पी नहीं बनेगी, और ना ज्यादा बहुत मोटी हो। तो ऐसे ही हमें मीडियम साइज की चिप्स बनानी है। और देख रहे होंगे कि पीछे से मेरी बेबी की भी आवाज आ रही है, तो दोनों मिलके हम ये चिप्स बना रहे हैं। और ये देखिए कितने सारे चिप्स बनके रेडी हो चुके हैं। और जी हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो गोल है इस तरफ से चिप्स नहीं बनाने, नहीं तो चिप्स के साइज जो है बहुत छोटे बनेंगे। ऐसे लंबा बनाना है ताकि हमारे चिप्स जो है इस तरीके से लंबे लंबे बनके रेडी हो। तो देखिए, हमारे चिप्स जो है सारे कट के रेडी हो चुके हैं। अब बताएं हम करने वाले क्या हैं इसके साथ। तो जी हाँ, अब इसे हम, आप ध्यान दीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, 1 मिनट बस, घड़ी देख के हमें 1 मिनट इसे पकाना है। और ऐसे होली में भी बनते हैं चिप्स, लेकिन हाँ उसे हम धूप दिखाते हैं, हम इसे धूप नहीं दिखाएंगे। और अब चलते हैं इसे हम बॉयल करने। तो बस ऐसे ही बने रहें, और अपने बच्चों को खुश करने के लिए ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जी हाँ, इस पे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला भी ऐड करेंगे, जैसे भी आपको कम ज़्यादा तीखा, लहसुन पाउडर या प्याज पाउडर या टमाटो पाउडर, जैसा भी जो भी पाउडर आप इस पे डालना चाहते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस पे डाल सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और जी, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी, और 2-3 पानी, जब तक इसके स्टार्च अच्छे से निकल ना जाए तब तक हम
धुलते रहेंगे ताकि जो है इसमें स्टार्च ना रहे और अच्छा से अच्छा हमारा मार्केट जैसा चिप्स बनके रेडी हो। तो बस एक भगोने में मैंने आधा लीटर के करीब पानी चढ़ा दिया है उबलने के लिए और ये गर्म हो रहा है, तो पानी जो है मेरा जल्दी गर्म हो जाए इसके लिए मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि हमारा पानी जो है जल्दी से उबल जाए। तो ये लगभग जितना गर्म हमें चाहिए गर्म हो चुका है, अब इसे हम खोल लेंगे और फिर अपने चिप्स अब इसमें हम डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, आप घड़ी देख लीजिए, बस इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, 1 मिनट ही इसमें भाप लग जाए थोड़ा सा उबल जाए बस इतना ही पकाना है। और बहुत ही केयरफुली इस चिप्स को हम बनाएंगे और हमारी वीडियो को स्किप ना करिए और फुल वॉच करिए और बने रहें, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हमें भजा जैसे फिंगर चिप्स रेडी करना है। और इसे बार बार ऐसे हम चला देंगे और तो 1 मिनट बाद हम मिलते हैं। और अब हमें इसमें जो है बहुत ज़्यादा नहीं नमक डाल देना है ताकि पानी में उबाल के साथ हमारे सारे आलूओं में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। आप इसे ऐसे ही स्पून से चला दें और बस, और देखिए स्टार्च जो है ऊपर आ रहे हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा 1 मिनट हो चुका है और ये देखिए थोड़ा सा पारदर्शी भी हो गया है। तो अपने हम गैस के फ्लेम को बंद कर रहे हैं और चिप्स को निकाल लेंगे और देखिए हमें ऐसे चलने लेना है जिसमें अपने चिप्स के जो पानी है उसे हम छानेंगे। तो ये देखिए ऐसे अपने चिप्स को डाल देंगे उसमें। तो ऐसे आप बने रहे हमारे वीडियो पे और देखिए मैंने अपने चिप्स को छान लिया है। तो जी हाँ, ये देखिए हमारे जो चिप्स के हैं सारे पानी जो है छान चुके हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, एक कपड़े या टॉल पे अच्छे से फैला देंगे ताकि ये सारे पानी जो है सूख जाएं 10-20 मिनट के लिए। तो अब चलते हैं, इन्हें हम कपड़े पे फैलाते हैं। तो ये देखिए मैंने बढ़िया क्लीन कपड़ा बिछा दिया है किचन के स्लिप पे और आप चाहे तो 5 मिनट के लिए धूप में भी दिखा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ऐसे हम अपने चिप्स को अपने टॉवल पे अच्छे से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से जल्द जो है पानी एब्जॉर्ब कर ले कपड़े। तो ऐसे ही हमें सारे चिप्स को फैला देना है, तो आप फैलाते रहें। तो ये देखिए मैंने कपड़े पे अच्छे से अपने चिप्स को फैला दिया है और ये मेरा बेबी जो है बराबर लगातार बोले हुए पीछे से, ये कह रहा है जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो ऐसे चिप्स खाने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई है और बट मुझे लगेगा अभी 10-15 मिनट तो सूखने में, इसको हम 20 मिनट रखते हैं रेस्ट पे। और इसे हम, ये जो मेरा टॉवल एक्स्ट्रा इधर बचा है इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे और फिर उसके बाद एक नैप। वैसे तो पानी सारे सूख चुके हैं, मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और एक बार ये जो टिश्यू पेपर है उससे मैं अच्छे से पोंछ लूंगी ताकि जो है जरा भी पानी ना रह जाए। तो ये देखिए ये टिश्यू पेपर से मैंने देखी थोड़ा थोड़ा पानी था वो भी अच्छे से पोंछ गया है। तो अब चलते हैं, मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है और हाई फ्लेम पे पकाएंगे, स्लो फ्लेम पे नहीं, और बढ़िया कुरकुरे अपना फिंगर चिप्स बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च लिया है और इसको ऊपर ऐसे डाल देंगे और अपने हाथों से ऐसे आलूओं के ऊपर रगड़ देंगे चिप्स के ऊपर सारे चिप्स पे। और मेरा ये ऑयल जो है हाई फ्लेम पे था और बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ज्यादा नहीं 10-15 पीस डालेंगे और ये हमारे बढ़िया चिप्स बन के रेडी हो जाएंगे। और ये कॉर्न स्टार्च डालने से हमारे चिप्स जो है बिल्कुल करारे और क्रिस्पी बन के रेडी होंगे और इसे बराबर हम चलाते रहेंगे, ऐसे प्रेस करते रहेंगे ताकि हमारे अच्छे से पक जाएं। और ये देखिए थोड़ा गोल्डन भी हो गया है और थोड़ा क्रिस्पी भी हो गया है, देखिए थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा आप लोग को। और अभी हमें पकाने में
और टाइम लगेगा, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तभी हमारा अच्छे से चिप्स जो है वो क्रिस्पी हो जाएगा। तो हम ऐसे चलाते रहेंगे, दबाते रहेंगे। आहा, क्या चिप्स बनके रेडी हुआ है, फटाफट इंस्टेंट चिप्स। हमारा फिंगर चिप्स बच्चों का बहुत ही फेवरेट चिप्स बनके रेडी हो चुका है। और देखिए ये आवाज आ रही है, तो हमारे जो चिप्स वो थोड़ा सा करारे हो गए हैं, कुरकुरे हैं। और अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा के। ये देखिए हमारे चिप्स बनके रेडी हो चुके हैं, और मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों को खुश करने के लिए, उन्हें सरप्राइज देने के लिए रेसिपी जरूर अपने घर पे ट्राई करिएगा। मैं टिश्यू पेपर लगा के रखा है, और ऐसे ही इसे हम फैला देंगे। देखिए आवाज आपको आ रही होगी, कितना क्रिस्पी हमारा चिप्स बनके रेडी हुआ है। और ऐसे ही हम दोबारा भी बनाएंगे। तो मेरा ऑयल जो है वो गर्म है, और ऐसे ही हम अपने चिप्स को दोबारा डालेंगे। और ये देखिए हमारा एमी सा और क्रिस्पी सा चिप्स बन के रेडी हो गया है, जैसे मार्केट का होता है। अब इसमें हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। और अगर आप अपने लिए बनाते हैं तो आप इसे स्पाइसी बना सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी है, आई आवाज़ आपको, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है। और आप जो है कॉर्नफ्लोर हाफ स्पून जरूर ऐड करिएगा, इससे जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो ये मैंने इसमें ऐड किया हाफ स्पून ऑरेगानो पाउडर, इससे जो है हमारे चिप्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बच्चों को और सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है, तो ये है मैगी, उनको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने मैगी मसाला डाल रहे हैं, इससे जो है उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा, और ये मन से खाएंगे। और अब जो है मैंने नमक तो पहले ही डाल दिया था, लेकिन थोड़ा सा सारे मसाले ऐड हो चुके हैं, अब मैंने नमक पहले भी डाल दिया था और थोड़ा सा अभी डाल देंगे, तो इसे टेस्ट हमारा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे ही अपने चिप्स जो है आप भी बना के रेडी कर सकते हैं। और हमारे मसाले और नमक वमक सब मिल के रेडी हो चुका है। और अपने बच्चों को अगर सरप्राइज देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। मेरी बिटिया अभी स्कूल गई है, और मैं तो उसे सरप्राइज दूँगी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और ये हमारा बेबी जो है बराबर मेरे साथ लगा हुआ है, और इसने बराबर इसने म्यूजिक दिया है, तो ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी जाने वाली है। और बनाएं, लुफ्त उठाएं, और अपने अनुभव सास बहू और दुनियादारी के साथ जरूर शेयर करें।